बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। बाजार में, बस में, मेट्रो में या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। मास्क से चेहरे व नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप चालू रखें। मास्क न पहनना, सामाजिक दूरी का ख्याल न रखना कानूनी रूप से गलत है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो अपन अभी आ रहे हैं ये भागीरथी पैलेस में। अगर आज हम लोग घूमने का पर्पस ये था कि अपन मार्केट निकल के ये देखते हैं कि लोग बोलते हैं चाइनीज चीज़ों को बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ आने के बाद पता चलता है भाई बिना चाइना के हमारी जो जीवन है अधूरी है। अभी दीपावली आने वाली है, इस वजह से अपन सोचा कि चलो यार ब्लॉगिंग अपन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में करके बनाते हैं। तो अभी बस ये जो मार्केट है लाल किला के जस्ट अपोजिट सामने ही पड़ता है, अपन यहीं आए हुए हैं और हमारे चारों तरफ का भीड़ देख लो। और अभी दिखाते हैं आपको जो भी अभी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अभी जो मैं डालूंगा वो सीधे केवल लाइटिंग की है, पूरी लाइटिंग की मार्केट पीछे थी उसका वीडियो मैंने शूट करके रखा है, वो देखना आप लोग का, देखना बताना कि बिना चाइनीज चीज़ों के हमारी लाइफ कितना। तो ये पूरी अभी लाइटिंग की मार्केट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ केवल चारों तरफ आप लोगों को लाइट ही लाइट दिखेगी। तो ये लाइटिंग की पूरी मार्केट। तो दीपावली थी इसे चला सोचा तो चलो यार लाइट। तो अभी जो मैंने दिखाया है वीडियो वो मेड इन इंडिया है जैसे कि उन्होंने बोला। हाँ मतलब मैं भी लैब में करता हूँ, हमारे यहाँ भी आते हैं, अब इंडियन मैन्युफैक्चर भी अब बहुत सारे हो गए हैं, बट ये है कि अभी भी चाइना का जो माल है ना बहुत है हमारे मार्केट में और हम कितने डिपेंडेंट है वो आप सबको पता है। ये इतने जल्दी बोलते हैं लोग सोशल मीडिया पे चाइना को बैन करो, ये करो, वो करो, तो ये फैक्ट है कि कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ही ख़त्म होगी। क्योंकि जब पता चलेगा ना हमें कि हमें चाइना से एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें नहीं करना तो हम खुद बनाना सीखेंगे। तो ये अभी मार्केट में अपन है, मार्केट देखते हैं कुछ लेते हैं, नहीं बस आपको घूमने आए हैं, घूमने के पर्पज़ से आए कि चलो यार चलो घूम लेते हैं, आज वीकेंड है। तो ये है पूरा का पूरा लाइटिंग का मार्केट और यहाँ मास्क निकालना खतरे से खाली नहीं है भाई, इतनी भीड़ है। यहाँ केवल पूरी की पूरी दो गलियाँ हैं, लगभग आप सोचो कि लगभग एक किलोमीटर के रेंज में, एक किलोमीटर पूरा टाइम होगा बस, मतलब दूरी होगी, उसमें केवल लाइटिंग मार्केट होगी, हर तरह की लाइटिंग मिलती है भाई साहब, इतनी खतरनाक भाई लोग मार्केटिंग हो गए। ये लाइट खरीदे अपन, मैंने दो खरीदा, अरे नहीं कुछ नहीं खरीदा क्योंकि इसको घर पे लगाना है और ये चाइनीज लाइट नहीं है, ये मेड इन इंडिया लाइट हमने खरीदा है। फाइनली ये दिन है दूसरा, मतलब भाई सुबह हो चुकी है, सुबह के अभी दोपहर लग तो ऐसे रात ही है क्योंकि अपन रूम में पैक हैं, इस वजह से अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा फिर नहाया। तो बताना ये था भाई लोग,
कि मतलब हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे वहाँ कि चलो देखते हैं कि क्या है, क्या क्या मिल रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि वो चाइनीज़ चीज़ों को बैन करना है, ये करना। भाई वो हम में और आप कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जैसे गवर्नमेंट ऐप बैन कर दी, वो गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती उनका प्रोडक्ट मत यूज करो। ये सोशल मीडिया पे ये वो पता नहीं कितने ट्रेंड चलते हैं भाई, और चाइना चाइनीज़ प्रोडक्ट ये वो, और जाके आप मार्केट में देखो कितनी चाइनीज चीज़ें, जितनी लाइटें वहाँ मिलती थी, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितनी चाइनीज, मतलब जो भी वीडियो में मैं आप तो देख पा रहे होगे यार, इतनी मतलब 2-2.5 किलोमीटर की वो लाइटिंग की शॉप है वहाँ पे। अब सोचो कि कितनी दुकानें होगी, कितनी आइटम्स होंगी, यहाँ से पूरे इंडिया में डिलीवर होती है चीज़ें। तो बस ये है कि सोशल मीडिया पे उठ के मैं भी बोल देता हूँ कि भाई चलो चाइनीज़ चीज़ों को बायकॉट करो। मैं भी यूज़ करता हूँ, 2-4 चीज़ें ऐसी है जो मैं चाइना की चीज़ें यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट ये है कि इसमें टाइम लगेगा, चाइनीज़ चीज़ों को बायकॉट करने में टाइम लगेगा। हमने चाइनीज़ चीज़ों को बायकॉट किया, आप सोच लो कि हमने टिकटॉक बैन किया, अब इंडिया वालों ने कितने सारे ऐप ऐसे बना दिए, एमएक्स टका टक वगैरह पता नहीं कितने सारे ऐप बन गए हैं उस हिसाब से। तो आप लोग सोचो कि मतलब जब तक हम डिपेंडेंट रहते हैं किसी पे, वो होता नहीं कि जब तक आपके डिपेंडेंट हैं किसी पे तब तक आपको कोई फर्क नहीं चल रहा यार, वो तो मैं नहीं तो वो मेरे लिए तो कुछ कर ही देगा। बट जैसे ही वो सारी चीज वो होता ना, छत से साज भरता है छत, अरे यार मैं क्या बोला हूँ, जब तक किसी पे हम डिपेंड रहते हैं तब तक सोचते हैं कि चलो यार वो बंदा है कुछ कर देगा मेरे लिए, बट वो जब हट जाता है ना तो खुद कुछ करने के लिए हम लोग ठान लेते हैं कि चलो भाई अब हमें कुछ करना है, क्योंकि वो तो है नहीं। ये अब अगर ये चीज़ें अगर हम में आप में सब में अगर हो जाए, तभी ये चाइनीज़ चीज़ें चाहे आउट ऑफ इंडिया की जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया में आती हैं वो सारी बंद कर दी, खासकर चाइनीज़ चीज़ें। तो ये नहीं बोलना, ट्रेंड करना सोशल मीडिया साइट्स पे, इससे कुछ नहीं होना, वो चेंज हम में और आप में करना होगा। तो रही बात, अब आज क्या है, दशहरा है, तो हैप्पी दुर्गा पूजा ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही बात मिर्ज़ापुर की, किसने क्या क्या मतलब मिर्ज़ापुर किसने देख लिया भाई, जितने लोग देखे होंगे मिर्ज़ापुर, आप कंपेयर करो मिर्ज़ापुर सीज़न 1 और मिर्ज़ापुर सीज़न 2। यार मिर्ज़ापुर सीज़न 1 हमें बहुत अच्छी लगी थी सीज़न 2 से। सीज़न 2 मतलब स्टोरी सही था, बट एक्टर को जितनी एक्टिंग करने की उन लोगों की क्षमता थी, जैसे फर्स्ट सीज़न में हमने देखा था, उतना नहीं हो पाया। बट होता है ना कि फर्स्ट सीज़न मतलब बवाल था कतई, ये शायद इस वजह से कि मतलब जितने भी अपन दूसरे सीज़न आ रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स पे देख लो या फिर जो भी आपके जो भी सीज़न होते हैं, जो भी आप इंडियन वेब सीरीज का देख लो, पहले सीज़न ज़्यादा अच्छा होता है दूसरे सीज़न से कंपेयर टू सेकंड सीज़न। तो मुझे सीज़न 1 ज़्यादा बेटर लगा, आप बहुत लोगों को ये होगा कि दूसरा सीज़न अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, बट मुझे पर्सनली दूसरा सीज़न थोड़ा कम लगा। बाकी रही ये सीज़न तो अपन कंप्लीट कर दिया भाई पूरे, मतलब एक रात जिस आई थी उसके मतलब हमने पहले रात में 6 सीज़न सुबह 6 बजे तक अपन कंप्लीट किए, फिर 2 घंटे सोए, फिर ऑफिस गया, ऑफिस से आके फिर मतलब कल रात में पूरी का पूरा सीज़न कंप्लीट कर दिया। और कल रात में मिर्ज़ापुर कंप्लीट करने के बाद एक और वेब सीरीज आई है सोनी लिप पे है, आप लोग जाकर देखना, एक्सकेम 1992, मतलब क्या गजब का है, हर्षल मेहता पे बनी है वो पूरी की पूरी वेब सीरीज, जाके देखो यार मतलब मस्त है। बस ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए, हमारे इंडियन यूथ को सब कुछ देखनी चाहिए उस बारे में, उसमें हुआ क्या था, कैसे उसने क्या किया था, जो भी फ्रॉड किया था, तो ये चीज़ अच्छे से दिखाया हुआ है। बट जो भी एक्टर है उसमें वो भी मतलब करेक्टर को पकड़ के मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना, अभी तक हमने 6 एपिसोड ख़त्म किए हैं, फिर अभी तो बस दिन हमारी शुरुआत हुई है, मतलब शुरुआत मतलब 2 बज रहे अभी, तो दिन यहाँ से शुरुआत हुई है, तो यहाँ से अपन अभी खाना बन रहा है, जैसे आप लोगों को आवाज़ मिल रही होगी सीटी वोटी की है, तो खाना बन रहा किचन में, खाना वाना खा के फिर अपन बैठेंगे और शाम तक पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद IPL भी देखना है इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद गाड़ी को धुलवाना भी है, गाड़ी गंदी हो गई है, पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल भी ख़त्म हो गई है, तो ये सारी चीज़ें काम, कपड़े उपड़े भी धोना है, तो ये सारी काम अभी निपटानी है। तो रही बात मेन मुद्दे की इस वीडियो का, यही था कि भाई देखो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना कि चाइनीज़ चीज़ों को बायकॉट करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है, करवाना है अगर चाइनीज़ चीज़ों को हम में और आप ही कर सकते हैं, ये नहीं कि गवर्नमेंट कर देगी। यार देखो हम वहाँ गए हैं, देख लो वीडियो में कितनी चाइनीज़ चीज़ें भरी पड़ी हैं, बट ये है कि अब कुछ कुछ जो लाइटिंग में आती है वो मेड इन इंडिया भी है, ऐसा नहीं है कि सारे की सारी चाइनीज़ चीज़ें थी, कुछ कुछ लाइटिंग ऐसी थी जो मेड इन इंडिया भी थी, वो भी एक दो जो आइटम थी मैंने वो वीडियो में डाल दिया है। तो बस इस वीडियो को दिखा, इस ब्लॉग को बनाने का मतलब मेरा मतलब पर्पस यही था कि आप लोगों को
अवेयर करवाए कि भाई देखो यहाँ दिल्ली में, मतलब यहाँ से पूरे इंडिया में माल सब जितने भी होते हैं सप्लाई होते हैं यहाँ से सारी चीज़ें जो लाइटिंग की, और दीपावली आने वाली थी इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई चाइना फिर एक ट्रेंड चलेगा अलग कि चाइनीज लाइटेड नहीं यूज करें, मतलब वो लड़िया यूज ना यूज करें, चाइनीज दीप चाइनीज यूज ना करें। बट देखो यार कितने बिकती हैं वहाँ, अगर आप वहाँ जाओगे अगर एक पीस सिंगल पीस लेगे तो मतलब 10 दुकान 15 दुकान अगर घूमोगे ना 10 दुकान ऐसे बोल देंगे भाई सिंगल हम लोग नहीं बेचते, थोक लेना है वो लेके जाओ। ऐसे रेट भी बताते हैं ऐसे ही कि 12 पीस का इतना, एक पीस का कोई रेट नहीं, नहीं बताता। तो भागीरथी पहले सब लोगों को जानते हो, दिल्ली में जो भी रहते हैं उनको जानते हैं, फिर आउट ऑफ इंडिया में आउट ऑफ दिल्ली से भी जो भी आए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग करने वो भी जानते होंगे भागीरथी पैलेस के बारे में, जो कि जस्ट लाल किला के जस्ट अपोजिट ही है, मतलब जस्ट सामने वाली गली पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ही है, बगल में जामा मस्जिद भी है। तो यह है पूरा, अगर आप लोगों को भी कुछ अगर दिल्ली से बाहर हो अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेना चाहते हो तो आके ले सकते हो यहाँ से दिल्ली से, क्योंकि यहाँ बहुत सस्ती मिलती है, क्योंकि यहीं से पूरे इंडिया में सप्लाई होती है चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलनी, मतलब एक छोटी सी आईसी से लेके मतलब बड़े से डीजे डीजे वगैरह जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। हर का एक सेक्शन अलग अलग बना हुआ है कि इस सेक्शन में केवल लाइटिंग मिलेगी, इस सेक्शन में साउंड की चीज़ें मिलेंगी, उसमें कैमरे मिलेंगे, हर चीज़ वहाँ प्रॉपरली अच्छे से बनाया गया है। तो ये वीडियो को बनाने का मतलब मुद्दा जो था, पर्पस जो था, मुद्दा तो छोड़ो यार पर्पस जो था यही था कि हमें हम में और आप में चेंज लानी पड़ेगी, तभी जाके ये चाइनीज चीज़ों को अपन थोड़ा बहुत कम यूज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि खाना बन रहा है और आज है संडे, तो भाभी आएंगी नहीं खाना बनाने, मतलब मेड हमारी, तो इस वजह से खाना हम ही लोगों को मिलकर बनाना है, तो दाल और चावल की जिम्मेदारी किसी और की है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, और आलू चॉपिंग की, आलू और टमाटर वगैरह जो सब सब्जी चॉपिंग करने की तो करना है, अगर नहीं करेंगे तो गाली सुननी पड़ेगी। तो इस वीडियो को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक करें, वैसे करना बहुत बुरा लगता है भाई सच में। तो बस अपने और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और ज़िंदगी के मजे लें। जय हिंद, थैंक यू। We will fly above the sky. We are